हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th के छात्रों के लिए हिंदी का एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं, जिस वीडियो में गद्य खंड के जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर का नाम, उसके लेखक का नाम, लेखक का जन्म, लेखक की मृत्यु और किस विद्या के है, सभी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा। तो लेखक की मृत्यु, लेखक का जन्म कभी नहीं भूल पाइएगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, गद्य खंड के जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर का नाम लिखा गया है और लेखक का भी नाम लिखा गया है। लेखक का मृत्यु कब हुआ, जन्म कब हुआ, किस विद्या के, सभी के बारे में इस वीडियो में आपको बताया गया है। तो एक बार अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो जिंदगी भर आप नहीं भूल पाएंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पहला चैप्टर का नाम है शर्म विभाजन और जाति प्रथा। ये गद्य खंड का है और गद्य खंड का पहला चैप्टर का नाम है शर्म विभाजन और जाति प्रथा। और लेखक का नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेखक का नाम आपको लिखा गया है, लेखक का नाम है भीमराव अम्बेडकर। और भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, वो भी मध्य प्रदेश में हुई थी। और उनकी मृत्यु भी हुई थी 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में, वो भी दिल्ली में हुई थी। ठीक है, और जाति प्रथा और शर्म विभाजन क्या है, तो एक निबंध, क्या हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और गद्य खंड में आपको 12 चैप्टर मिलेगा, 12 चैप्टर का आप लोग लेखक की मृत्यु और लेखक का नाम, लेखक का जन्म सभी याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो दूसरा पार्ट का नाम है विष के दांत। विष के दांत के लेखक कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा। और नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म फाइनली 18 फरवरी 1916 ईस्वी में भद्रघाट यानी कि पटना में हुआ था। ठीक है, और उनकी मृत्यु कब हुई थी, उनकी मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुई थी, 12 सितंबर 1961 ईस्वी में, 12 सितंबर 1961 ईस्वी में हुई थी। और विष के दांत एक कहानी है, विष के दांत क्या है, तो विष के दांत एक कहानी है। अब तीसरा चैप्टर देख सकते हैं, तीसरा चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखे, और भारत से हम क्या सीखे, लेखक कौन है, मैक्स मुलर। और मैक्स मुलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में, वो भी जर्मनी में हुआ था, यहूदी नामक परिवार में जर्मनी में हुआ था मैक्स मुलर का जन्म। और मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी, तो 28 अक्टूबर 1900 में मैक्स मुलर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और वो क्या है, तो वह एक भाषण है, वो क्या है, तो एक प्रकार का भाषण है, भारत से हम क्या सीखे एक प्रकार का भाषण है। अब देख सकते हैं चौथा है नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था, और उनकी मृत्यु कब हुई थी, 19 मई 1979 ईस्वी में, 79 ईस्वी में हुई थी। और वह एक ललित निबंध है, विष के नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध है, लेकिन ललित निबंध है, वहां पर देख सकते हैं ललित निबंध आपको एरो का चिन्ह देकर दिखाया गया है। ठीक है, अब देख सकते हैं पांचवा नंबर चैप्टर, उसका नाम है नागरी लिपि। नागरी लिपि के लेखक कौन है, तो गुणाकर मुले। और गुणाकर मुले का जन्म 3 जनवरी 1935 ईस्वी को महाराष्ट्र में हुआ था, और उनकी मृत्यु भी हुई थी 16 अक्टूबर 2009 को, और वो एक निबंध है, क्या है, नागरी लिपि एक प्रकार का निबंध। ठीक है, अब देख सकते हैं बहादुर छठा नंबर पाठ है बहादुर। और बहादुर पाठ के लेखक है अमरकांत का जन्म 1 जुलाई 1925 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, और उनकी मृत्यु कब हुई, 17 फरवरी 2014 ईस्वी को, यानी कि सबसे मतलब कि बहुत मतलब अभी 7 साल पहले ही अमरकांत का मृत्यु हुई, 17 फरवरी 2014 ईस्वी को। और बहादुर एक प्रकार का कहानी है, क्या है, एक प्रकार का कहानी है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक शायद कहानी है। ठीक है, अब देख सकते हैं सातवां नंबर परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है, तो रामविलास शर्मा है। और रामविलास शर्मा का जन्म 14 अक्टूबर 1912 ईस्वी में हुआ था, और वो भी उत्तर प्रदेश में, और मृत्यु 30 मई 2000 को हुई थी। और वो क्या है, तो एक निबंध है, क्या है, तो एक निबंध हो जाएगा। अब देख सकते हैं आठवां नंबर जीत जीत में निरखत हूँ के लेखक है बिरजू महाराज। और बिरजू महाराज का फाइनली जन्म हुआ था 4 जनवरी 1938 को, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था, और उनको 27 साल के उम्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था, और उनकी मृत्यु 54 साल के उम्र में हुई थी। यही एग्जाम में पूछेगा, उनकी मृत्यु 54 साल के उम्र में हो गई थी, तो याद रखना, अगर पूछेगा कि मतलब कि बिरजू पंडित बिरजू महाराज की मृत्यु कब हुई थी, आप लोग बताना 54 साल के उम्र में हो गई थी, ऑप्शन रहेगा 54 साल की उम्र में। और एक और ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी किस वर्ष की उम्र में मिली, तो 27 वर्ष की उम्र में मिली थी। ठीक है, अब यहाँ वो क्या है, तो एक साक्षात्कार है। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, विद्या क्या हो जाएगा, साक्षात्कार हो जाएगा। अब देख सकते हैं 9 नंबर अभिन्यो के लेखक है अशोक भजपेयी। और इनका जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 ईस्वी में, वो भी मध्य प्रदेश में, और इनकी मृत्यु कन्फर्म नहीं की गई है, ठीक है। और वो क्या है, यात्रा वृत्तांत है, याद रखिएगा, यात्रा वृत्तांत की विद्या है। ठीक है, अब देख सकते हैं मछली पाठ के लेखक विनोद कुमार शुक्ल। और विनोद कुमार शुक्ल
का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में हुआ था, ठीक है, छत्तीसगढ़ में हुआ था और इनकी भी सॉरी जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु कंफर्म नहीं किया गया है, मृत्यु कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन मछली एक कहानी है, मछली क्या एक प्रकार का कहानी है। अब 11 नंबर देख सकते हैं, नौबत खाने में इबादत। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या, यहाँ पर मैं छूट गया, मैं होगा, ठीक है, नौबत खाने में इबादत, ठीक है, इबादत। यतीन्द्र मिश्र इसके लेखक है, यतीन्द्र मिश्र इसके इस मतलब की पाठ के लेखक है और यतीन्द्र मिश्र का जन्म 12 अप्रैल 1977 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ था, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में यतीन्द्र मिश्र का जन्म हुआ था 12 अप्रैल 1977 में और इनकी भी मृत्यु कन्फर्म नहीं की गई है, लेकिन यह व्यक्ति चित्र या मतलब की विद्या है, क्या है, व्यक्ति चित्र हो जाएगा। और मतलब कि गत खंड का जो अंतिम चैप्टर है वो है शिक्षा और संस्कृति, जिसके लेखक आपको पता ही होगा महात्मा गांधी है और महात्मा गांधी का जन्म हर किसी को मालूम होगा कि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था और उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हो गई थी, वो भी दिल्ली में हुई थी, उनको किसी ने गोली मार दिया था। गोली मारने वाला का नाम आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मतलब कि महात्मा गांधी को गोली मारकर किसने हत्या की थी, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और 30 जनवरी यानी कि संडे का दिन, ठीक है, और वह विद्या कौन है, तो विधि शास्त्र या फिर संस्कृति हो जाएगा, ठीक है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा और पद गण खंड हो गया, अगर पद खंड का भी आप लोग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज हमें कमेंट करके बताओ, और डेली आप लोग क्विज टेस्ट देना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिलेगा, उस वेबसाइट पर जाकर हिंदी का, सोशल साइंस का, साइंस का, मैथ का, संस्कृत का, हर चीज का आप लोग लाइव टेस्ट दे सकते हो और लाइव टेस्ट देने के बाद अपना रिजल्ट भी देख सकते हो कि कितना परसेंट हमारा रिजल्ट बना है, कौन सा क्वेश्चन गलत है, कौन सा क्वेश्चन गलत नहीं है, सभी शो कर दिया जाएगा। तो जाकर हमारे वेबसाइट की मदद से देखो और इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के पास शेयर करो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।